भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा खनिया थाना का सेल्फी पॉइंट। मात्र एक महीने पहले खनिया थाना के नरसिंह तालाब पर लगाया गया था सेल्फी पॉइंट। पहली बारिश में ही हो गया धराशाही निर्माण कार्य की पोल खुली। खनिया थाना नगर परिषद पर विगत कई वर्षों से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर आम नागरिकों द्वारा शिकायतें की जाती रही हैं, परंतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार इन सभी शिकायतों को अनदेखा किया जा रहा था। आज खनिया थाना में एक बार फिर नगर परिषद के भ्रष्टाचार को उजागर करता हुआ एक मामला सामने आया है, जिसमें मात्र एक महीने पहले खनिया थाना के प्रसिद्ध नरसिंह तालाब पर लगाए गए सेल्फी पॉइंट का थोड़ी सी बारिश में ही उखड़ कर गिर जाना साफ साफ दर्शाता है कि नगर परिषद द्वारा सेल्फी पॉइंट के निर्माण में कितना भ्रष्टाचार किया गया है। सेल्फी पॉइंट के निर्माण कार्य में लगभग 5 लाख की राशि खर्च दर्शाई गई है, जिसमें सेल्फी पॉइंट का बेस लगभग 1 लाख में तैयार किया गया है। सेल्फी पॉइंट लगभग 3,90,000 में तैयार दर्शाया गया है। सेल्फी पॉइंट के निर्माण में भ्रष्टाचार मात्र एक उदाहरण है। ऐसे कई कार्य हैं जहां नगर परिषद के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किए गए हैं। अब देखना यह है कि इन भ्रष्टाचारियों की जांच होती है या नहीं, या लीपापोती करके इन मामलों को दबा दिया जाता है। मैं यही कहूँगा कि जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया था वो बहुत अच्छा था, पर घटिया सामग्री के द्वारा निर्माण कराया गया, जिस कारण से पहली ही बारिश में वो धराशायी हो गया। इसमें निश्चित रूप से ठेकेदार एवं सीएमओ के द्वारा कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, मैं बताऊँ आपको, खनी लाने का दुर्भाग्य है कि वर्तमान में जो विधायक जी बैठे हुए हैं वो कांग्रेसी हैं, और जो नगर परिषद थी वो भी कांग्रेसी थी। अध्यक्ष से लेकर जितने ही पार्षद थे वो सब कांग्रेसी थे। तो अभी क्या है कि नगरपालिका में अभी उन्हीं का दबदबा है, इसके चलते हुए सीएमओ और जो भी ठेकेदार हैं उनकी मिली भगत से ये घटिया निर्माण हुआ है। इस निर्माण के चलते पहली बार जो हुई है ना, उसमें यह धराशायी हुआ है। ये बहुत ही दुखद, युवाओं में जो जोश था वो एक पीड़ा के रूप में व्यक्त किया है सभी लोगों ने। इसके लिए मैं खेद और बहुत आपकी सरकार है इस समय, तो आप क्या एक्शन लेंगे? आप मंत्री भी हैं। बिल्कुल, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। वरिष्ठ जो हमारे नेतागण हैं उनको इसके बारे में अवगत कराएंगे और इसका पूरा खुलासा करवाएंगे कि आखिर ये लाखों रुपए का ये बना हुआ सेल्फी पॉइंट धराशायी क्यों हुआ।